एवरीवन, सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बीट रूट की जूस, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीट रूट जूस बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक बीट रूट, जिसको कि हमने अच्छे से धो लिया है, और 3 टमाटर है, थोड़े से पुदीने के डंठल है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप टमाटर और पुदीना डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि जो बीट रूट है उसका ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे और हम अच्छे से इसे छील लेंगे। तो सारे छिलके को हम उतार लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ हमने छोटे छोटे पीसेस में बीट रूट को कट कर लिया है और टमाटर को भी हम कट कर लेंगे, और एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम सारे बीट रूट और टमाटर को हम उसमें डाल देंगे, और साथ ही साथ हम पुदीना के पत्ते को भी इसमें डाल देंगे टुकड़े करके। तो यहाँ हमने बीट रूट, टमाटर, पुदीने के पत्ते सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है, और अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच चीनी लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 ग्लास बना रहे हैं, और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा शुगर का ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम 2 कप पानी, और इसका अब हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तो बीट रूट को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम लेंगे एक बॉल और उस पर हम छलनी डालेंगे, और सारे बीट रूट के जूस को हम इस तरह से छलनी से छान लेंगे। एक चम्मच की मदद से हम इस तरह से छान लेंगे दबा दबा करके। देखिए इस तरह से पूरे जो बीट रूट है वो अच्छे से निकल रहे हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं बीट रूट उसे हम फिर से दोबारा पीस लेंगे, और उसे भी हम फिर से छलनी में छान लेंगे। तो सारे बीट रूट को हमने अच्छे से छान लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काला नमक, और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो नींबू के रस को भी हम इस तरह से छलनी से छान लेंगे ताकि जो बीज है वो एक्स्ट्रा निकल जाए, और अब हम इसे चम्मच से मिला लेंगे। तो हमारा परफेक्ट बीटरूट जूस तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम इसे सर्व करते हैं ग्लास में। तो ग्लास में हमने डाल दिया है, ऊपर से हम थोड़े से नींबू के स्लाइसेस को भी टुकड़ों में कट कर लेंगे, और उसे भी हम इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। तो ये रहा हमारा बीटरूट का जूस, परफेक्ट तैयार है पीने के लिए। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। With the.